नवोदित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करधुआ टू गढ़वा हरफरी टू चितरंगी संविदा कार अभय मिश्रा कार 90% कार्यपूर्ण। कंपनी के कर्मचारी नहीं दे रहे बेरोजगार रेत विक्रेताओं के पैसे, रेत के बदले देते हैं ऐसी पर्ची काट कर कि उस पर्ची की कोई वैल्यू नहीं, कहीं भी उस पर्ची को दिखाकर अपने पैसे नहीं ले सकते। रेत के पैसे को लेकर अभी हाल ही में एक बार मोहरिया कैंप में विवाद हो चुका है, लेकिन मामला थाने तक नहीं पहुंचा। एक दिन हो सकता है बड़ा हादसा। रेत विक्रेता ने बताई कंपनी के कर्मचारियों की दास्तान। मोहरिया कैंप के कर्मचारी एक नंबर के तानाशाह की तरह पानी के भाव रेत लेते हैं। 1000 रुपये का 100 फीट देते हैं, उसमें भी कुछ ट्रिप की पर्चियां गायब कर देते हैं। अगर हमारा पैसा नहीं मिलता तो हम किसी भी तरह से वसूल करेंगे। अगर 2-3 दिन में पैसा नहीं दिया गया तो चितरंगी उपखंड अधिकारी SDM को आवेदन देंगे, कबूल करेंगे अपना गुनाह, लेकिन चाहिए मेहनत का पैसा। कई सारे रेत विक्रेताओं के बारे में जानता हूँ, किसी का पैसा नहीं रुकेगा, मेरा ही क्यों। पैसे के बगैर हमारी हालत ये हो गई है कि सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। 1000 में 600 से 800 रुपये तक प्रति ट्रिप का खर्च आता है। पूरा पैसा और डीजल गाड़ी में लग चुका है। अब ऊपर से 200 रुपये ट्रिप भी मारा गया तो हम कहाँ बचेंगे। गढ़वा थाना अंतर्गत बैठे मोहरिया कैंप में विकास पांडे ने बताया कि इस कंपनी में तब रेत दिया था जब मैं पूरी कैंप बनाना शुरू हुआ था, और अब मेरे साथ कंपनी के कर्मचारी मूल राशि नहीं दे पा रहे। बात करने पर सिर्फ डेट देते हैं, डेट के दिन फ़ोन नहीं लगता। अब परेशान हो गया हूँ, मेरी गाड़ी भी अब बहुत ज़्यादा काम निकल गया है। एक तो प्रशासन से चोरी कर रेत दिया ऊपर से अब पैसे भी नहीं मिले तो मैं कहाँ रह जाऊँगा। जबकि वास्तविकता में कंपनी का ये हाल है कि यहाँ कौन कर्मचारी रहते हैं पता नहीं चलता। प्रेस मीडिया के संवाददाता से इस तरह पेश आ रहे हैं कि कंपनी के कर्मचारी तो और लोगों से किस तरह मिलते होंगे। एक दिन तो देखकर मोटरसाइकिल ही गायब हो गई, दूसरे दिन मुलाकात हुई कंपनी के कर्मचारी सौखीलाल से। बात करें तो ऐसे करते हैं कि कोई एक पल भी नहीं रुकेगा। रेत के बारे में जानकारी पूछने पर बताते हैं कि प्रशासन द्वारा जब्त डंप का रेत खरीदते हैं और बैठे रेत विक्रेताओं अपने बयान दे रहे हैं। बाहरे कंपनी और बाहरे सिंगरौली प्रशासन। NTV टाइम्स सिंगरौली। ये अभय मिश्रा कंपनी है जो ये रोड बना रही है जी। इसमें आप पहले काम कर रहे थे जी? कौन से पोस्ट पे? चौकीदार थे। कितने महीने काम किए? 15 जून से काम कर रहे थे। तनख्वाह वगैरह मिली आपकी? और पहले वाली नहीं मिली है, पहले वाली मिल चुकी है, बाद वाली नहीं मिली। कितने महीने की तनख्वाह? 4 महीने। और आप चौकीदारी में मतलब 24 घंटे ड्यूटी कर रहे थे? नहीं, हाँ 12 घंटे सिर्फ रात के। अच्छा, खाली रात में चौकीदारी कर रहे थे। तो रात में यहाँ पर मतलब आसपास के जो लोग रेत वगैरह गिरा रहे थे उनके बारे में बताएंगे कौन कौन से लोग हैं? नहीं बता सकते। क्यों भाई? उनका नाम गाँव हमें नहीं मालूम है तो क्या बताएंगे। अच्छा, जो लोग गिरा रहे हैं यहाँ पर रेत वगैरह, तो ये रेत वगैरह आती कहाँ से, किधर से आती? यहाँ के रूम मालिक बताएंगे। कौन है मालिक जी? सौखीलाल बताएंगे कि रेत वगैरह इधर मतलब आसपास से कहाँ से आ रही है। बताएंगे भाई, जहाँ से मंगाते होंगे वही बता सकते हैं कि हम कहाँ से रेत आते। नहीं, जैसे रात में आप चौकीदारी कर रहे थे तो रात भर में कितनी गाड़ी आ जाती थी? अरे कौनो दिन आओ नहीं, कौनो दिन नहीं। लगभग किसी दिन जब आती हैं कितनी गाड़ी आ जाती? 2-4 गाड़ियाँ आ जाती हैं। 2-4 गाड़ियाँ मतलब यही आसपास की लोकल गाड़ी? जहाँ के हो भाई, ये तो नाम तो हमें नहीं मालूम है कि किसकी गाड़ी है, किनकी गाड़ी है। होंगे तो आसी पास के ना। और अभी आपका वही तनख्वाह नहीं मिला है ना, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो तनख्वाह के लिए चर्चा की है तनख्वाह के लिए, क्या बोले जी? बोल रहे हैं कि आजकल मिलेगी, अभी नहीं, अभी मिल नहीं पाई है ना। और यहाँ पर कौन कौन से कर्मचारी रहते हैं? अभी है सौखीलाल मुख्य रूप से है, और तो सब मान लीजिए क्वेश्चन लेकर आना में काम कर है ना। मतलब इस कंपनी में काम नहीं करते हैं? हाँ, फिर यहाँ इस गांव में कैसे आए हैं? यहाँ कुछ रिलेशन वगैरह है का आपका? हाँ, क्या है रिलेशन में यहाँ पर? क्या है रिलेशन यहाँ आपको, इससे क्या मतलब, ये बताइए। अरे हम भैया मीडिया के कर्मचारी हैं, हम आए हैं यहाँ पर प्लांट में आए हैं। आप यहाँ बता रहे हैं कि भाई यही सौखीलाल हैं। आप रात को एक दिन आए थे 8-9 बजे? 8-9 बजे आए थे तो 8-9 बजे क्या हम यहाँ करते? अंधेरे में किसी का बाइट लेंगे क्या करते? मतलब कंपनी में मत डालिए ये सब दबाव तो मतलब कंपनी थोड़ी जाइए, कैंप जाइए, वहाँ बात करिए क्या है कैसा। हम आपको पहचानते नहीं, कौन है आप, क्या हैं भैया? मीडिया से हैं हम नहीं जानते। तो नहीं जानते हैं तो कार्ड देख लीजिए, माइक देख लीजिए, चले जाइए वहाँ बात करिए। जो अधिकारी हम तो एक लेबर आदमी। पौनी में कौन है अधिकारी? मीडिया का खरीदे हैं तब यहाँ का करे आओ।
आप यही बोलना चाह रहे हैं? हम नहीं जानते आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या दबाव डालना चाह रहे हैं, काहे के लिए ये सब सिस्टम वो करते हैं। अरे कुछ नहीं भाई, क्या है आप हमें है नहीं मालूम है ना। अरे भाई हम बता तो रहे हैं कि मीडिया प्रेस से आए हुए हैं। मालूम पौनी में हमको किससे बात करना पड़ेगा, कौन काम देख रहा है? किसी से बात कर लीजिए, मतलब किसी का एक नाम बताइए जिनसे बात करें। हम नहीं जानते भाई, हम नए आदमी हैं, कुछ नहीं जानते। क्या नाम है आपका भैया? पांडे। ये जो बगल में सड़ी हुई गाड़ी खड़ी है, छटेरा आप ही की है? तो सड़ी हुई दिख रही है। अच्छा, तो यहाँ पर कितने राउंड बालू गिरा चुके हैं आप? पेमेंट वगैरह मिला का आपका? अभी तक नहीं मिला। कितने गाड़ी गिरा चुके होंगे? 58 गाड़ी। ये कहाँ से गिराते हैं रेत वगैरह? देवरा से। देवरा से लाते हैं? देवरा नदी। ये सोन वाली नदी से? अच्छा, तो अभी पेमेंट वगैरह आपका नहीं मिला है? नहीं, बात होती हुई है मालिक से? बात होती है, बोलते हैं आज का रात। यहाँ पर काम, मतलब आपका ट्रिप वगैरह गिनने का काम कौन करता है? सौखी लाल।